अरे मटन का पीस देखो गाइस। अरे तो सब बोलते हैं ना कि दादा बोधी का बिरयानी बहुत टेस्टी है, हमारे यहाँ पे जो 70-80 रुपए में। दादा बोधी बिरयानी जितना ये फेमस नाम है उतना ही इसका टेस्ट। नाम मैंने काफी सुना है और लोगों ने कहा भी है कि भैया हमारे जैसा बिरयानी कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, तो ये क्या सही में असली? तो चलो वीडियो को फटाफट शुरू करते बिना किसी वक्त के। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वाली वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी लोगों के? मैं काफी अच्छा हूँ यार, और उम्मीद करते हैं कि आप भी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं दादा बोधी बिरयानी लाने और टेस्ट करने वाले भाई। मैं पहली बार जिंदगी में पहली बार दादा बोधी का बिरयानी ट्राई करने वाला हूँ भाई, काफी मजा आने वाला है, तो फिर एंड तक जरूर से रहना। और हाँ, अभी हम लोग बाइक को पार्क करेंगे, मतलब रिश्ता पे, रिश्ता से यहाँ जाएंगे श्रामपुर, श्रामपुर से लेंगे फिर घाट। तो अभी बाइक को वहाँ पार्किंग करते हैं, वहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यार अभी आ चुके चंदन के दुकान के यहाँ, इनका दुकान है, तो फिर इधर ही हम लोगों ने अपना बाइक पार्क कर लिया। अभी जाएंगे स्टेशन, स्टेशन से जाएंगे श्रामपुर जो कि और एक स्टेशन है, फिर वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग रिश्ता जाते हैं, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो ओके यार, अभी पहुँच चुका हूँ मैं रिश्ता स्टेशन पे। अभी जाएंगे हम लोग डायरेक्ट श्रामपुर स्टेशन जो कि सामने ही है, और वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू, पहले वहाँ पहुँचते हैं हम लोग। और वहाँ देखो चंदन टिकट कट करने जा रहा है। तो फाइनली यार श्रामपुर पहुँच चुके हैं हम लोग, और भाई यहाँ से जा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट घाट। घाट बोले तो यहाँ से हम लोग लॉन्च लेंगे, लॉन्च से जाएंगे डायरेक्ट ब्रैकपुर। काफ़ी मज़ा आने वाला है, मैं तो पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, और मेरा पार्टनर भाई वो भी मेरे साथ ही आएगा। और आज सही में यार श्रामपुर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, जहाँ जिस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना, आज बहुत खाली है। मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है यहाँ का। तो अभी घाट चलते, घाट वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ओके यार अभी पहुँच चुके हम लोग घाट पे, श्रामपुर घाट, और चंदन गया है टिकट कट करने। फिर यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग ब्रैकपुर, वहाँ पे दादा बोधी मैंने सुना है भाई, काफ़ी वहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत लाइन रहता है, और अभी के टाइम पे पता नहीं कैसा लाइन रहने वाला है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो फाइनली हम लोग लॉन्च पे पहुँच चुके हैं, और वहाँ से देखो एक लॉन्च जा रहा है भाई। तो पहुंच चुके यार फाइनली दादा बोधी बिरयानी दुकान और रामपुर में भाई। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, सीरियसली काफी यार, क्योंकि हर तरफ लाइन ही लाइन है। अभी तो ज्यादा लाइन नहीं है, ठीक है, अभी चंदन गया लाइन लगाने। तो भाई पीछे देख लो यार, पूरा एक्सपीरियंस नया टाइप हो रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है यार। मतलब काफी जिंदगी में मैंने खाया नहीं था, आप ही ट्राई करने वाला हूँ यार, काफी मस्त टेस्ट होने वाला है, दिल से अंदर से आवाज आ रही है मेरे को। तो अभी इसको इधर से पैकिंग करके फिर हम लोग घर जाएंगे, पहले यार बिरयानी ले लेते। और ये चेक करो दादा बोधी बिरयानी दुकान, और यहाँ देखो यहाँ चूल्हे पे कुछ इस तरीके से पकता है दादा बोधी, और ये सबसे पुराना वाला दादा बोधी बिरयानी दुकान है भाई साहब। दादा बोधी बिरयानी जितना फेमस है नाम है, क्या उतना ही अच्छा खाने में टेस्ट में भी होगा? तो उसी को हम देखेंगे कैसा टेस्ट होने वाला है, पूरा एंड तक वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। और इन लोग की भाई जो सॉफ्टनेस है ना, वो मुझे अच्छी तरीके से दिख रही है, और काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑसम स्मेल आ रहा है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे सब सैलड वगैरह, सब चटनी वगैरह, सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे बिरयानी सर्व होता है। अगर आप लोग एंट्री करोगे ना, एंट्री करने के टाइम पे आप लोग को वहाँ पे गेट पे ही आपको टिकट लेना पड़ता है, टिकट लेने के बाद आपको सर्व किया जाएगा। तो फाइनली यार अभी पहुंच चुका हूँ दादा बोधी रेस्टोरेंट के अंदर। अंदर में मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ कि भाई रेस्टोरेंट कैसा दिखता है, और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, तो फिर काफी मजा आने वाला है। तो अंदर चेक करो गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब उतना ज्यादा तो भीड़ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा।
आते थे और भाई अंदर में कुछ इस तरीके से लुक आता है, काफ़ी अच्छा है दिखने में यार, मैं बुरा नहीं कहूँगा। मेरा पहला टाइम फेस्ट एक्सपीरियंस है भाई, बहुत दूर से आना पड़ा है मेरे को, काफ़ी अच्छा है। तो सर हमने आपका यहाँ का मतलब दादा बहुत सुना है ना, तो काफ़ी फेमस है, तो फिर इसका रीज़न क्या है, यहाँ का स्वाद या फिर कुछ और ही बात? सबसे पहले बात है यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छा बनता है, बिरयानी मतलब दादा बोधी होटल, इसका नाम है जनौसा हिंदू होटल। अच्छा, इसका दादा बोधी नाम दिया है कस्टमर लोग नाम दिया, तो दादा बोधी जो था वो लोग पहले 50 साल पहले वो लोग वहाँ चावल बनाता था, 10-15 साल ऐसा लोग आया बिरयानी बनाया, कस्टमर लोग नाम दिया दादा बोधी होटल, वही से पूरा कस्टमर जम गया दादा बोधी होटल। रेस्टोरेंट काफी मतलब पुराना से काफी अच्छा रेस्टोरेंट, आपको कैसा लगता है कि इतने सारे कस्टमर आते हैं? बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना, लोगों को बैठाना, अच्छे से खिलाना, बहुत पुराना मतलब बहुत ज्यादा पुराना रेस्टोरेंट है। और जो दादा बोधी एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करते थे वो लोग यहाँ पे एक्चुअली राइस बनाया करते थे, तो फिर जाते 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 काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और भाई मुझे काफी अच्छा लग रहा है यार, मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो यार अभी ले चुके हम लोग पैकिंग वगैरह सब कुछ करा लिए, अभी जा रहे हैं हम लोग फेरीघाट, फेरीघाट बोले तो जहाँ से हम लोग आए थे ना उसी को कहते हैं फेरीघाट, अभी जा रहे हैं फेरीघाट पे, वहाँ से लेके लॉन्च, फिर जाएंगे श्रीरामपुर, वही सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो अभी डायरेक्ट वीडियो को ना घर से स्टार्ट करते हैं, घर में सभी का रिएक्शन देखते हैं, घर से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। দাদা বৌদি বিরিয়ানি পক্কা তো? হ্যাঁ পক্কা, দোকান চেনাইছিস তো? হ্যাঁ দোকান ভালো মতন চেনা। কতক্ষণ লাইনে লাগা ছেড়েছে? এ কোনো লাইনই লাগেনি। ধর 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 ধর, বিছানায় রাখিস না। বিছানায় রাখবো কেন ভাই? দাদা বৌদি ঠিক আছে, আবি রাখো, বাদ মে খাएंगे। বাদ মে খাएंगे? তো ইতনা জলদি কিউ? জিজু কেমন? কুছ খাস নেই। কেমন বিরিয়ানি দাদা বৌদি কা বিরিয়ানি বহুত টেস্টি হামারে ইয়াহ পে জো 70-80 রুপে মে মিলতে হ্যায়, দোনো সিমিলার সেম হ্যায়, বাট ইয়াহ পে অর ভি আচ্ছা হ্যায়। বেইজ্জতি ভাই সাহেব, মে সহি কহ রাহা হুঁ, মেনে ভি টেস্ট কিয়া থা, ঠিক হ্যায়, মেনে কাভি বিরিয়ানি ট্রাই নাহি কিয়া দাদা বৌদি কা, স্পেশালি বাত করুন, मैंने श्रीरामपुर वाला टेस्ट किया था, हाँ वो उतना खास नहीं था, मतलब खाने लायक भी नहीं था उतना, सही से ये खाने लायक है, ये खा सकते हो दादा बोधी, लेकिन अभी क्या है ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कभी जिंदगी में टेस्ट नहीं किया, हाँ यहाँ का जो रिश्ता पे मिलता है स्टेशन के वहाँ पे वो और ये एग्जाम सेम टेस्ट लग रहा है मेरे को। मैंने पहले सुना था कि दादा बोधी दादा बोधी दादा बोधी क्या बिरयानी है भाई, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहा यार मेरे से, मैं कहूंगा यार यहाँ का वहाँ का सेम ही है, तो फिर मेरा तो छोड़ ही दो। नहीं यहाँ का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, यहाँ का अच्छा और अच्छा है, और पैसा भी बहुत सस्ता है, डबल प्राइस है उधर। खैर छोड़ो, और मटन का पीस देखो गाइस, तो वीडियो को इधर ही एंड करते, तो वीडियो इधर तक ही एंड करते, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।